नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एनपीटीवी इंडिया। आज मैं आया हूं कंज्यूमर एक्टिविस्ट तरुण अग्रवाल के पास, जहां से हम आपको आज बहुत बेहद खास जानकारी देने वाले हैं। आपने कई बार जब शॉपिंग की होगी तो शॉपिंग्स के जो बिल होते हैं उसके ऊपर लिखा होता है, कंडीशंस के अंदर जो लिखा होता है स्टार बनाकर नीचे बहुत छोटे छोटे अक्षरों में लिखा होता है, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, यानी कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा या फिर उससे बदला नहीं जाएगा। इस तरीके की बात तमाम जो व्यापारी हैं वो अपने बिलों के ऊपर लिखते हैं, लेकिन ये लिखना गलत है। ये लिखना उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन है और उस उपभोक्ताओं के कानून का खुले तौर पर उल्लंघन है। इसके लिए कानून बाकायदा है और इसके लिए अजमेर शहर में कई व्यापारियों को नोटिस भी जारी हुआ है, उनके ऊपर जुर्माना भी लगा है। इसके लिए तरुण अग्रवाल लगातार कोशिश करते हैं कि ग्राहकों को जागरूक किया जाए, उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाए, और इसीलिए इस जागरूकता की कड़ी में हम तरुण अग्रवाल के पास इस वक्त मौजूद हैं और उनसे जानेंगे कि ये दिशा निर्देश क्या है पूरे मामले में, कि बिल के ऊपर ये लाइन क्या है, क्यों नहीं लिखनी चाहिए, और कौन कौन से अजमेर में ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर उपभोक्ता न्यायालय ने अभी तक जुर्माना लगाया है। तरुण जी, सबसे पहले ये बात बताइए कि ये बिलों के ऊपर ये जो लाइन है, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, यानी कि बेचा हुआ माल वापस नहीं किया जाएगा, लिया नहीं जाएगा, ये क्या है? इसके लिए सरकार ने कोई वाकई उपभोक्ताओं के लिए आदेश दे रखे हैं क्या? जी हाँ, देखिए, जो बिलों में लिखा होता है बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, एक तरह से ये उपभोक्ताओं को चीट करने की एक प्रथा है। इसमें उपभोक्ताओं की ये मंशा रहती है व्यापारी की कि हम बेचा हुआ माल है, अगर कोई डिफेक्टिव है तो हम वापस नहीं लें, ये कह के हम बच जाएँ कि हमने आपको बिल में ये शर्त लिख के दी है कि हम बेचा हुआ माल वापस नहीं लेंगे या बदलेंगे नहीं। इसी को देखते हुए 22 दिसंबर 1999 को उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री भारत सरकार शांता कुमार द्वारा एक सर्कुलर जारी किया गया था। उसमें ये बताया गया था कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 14 के अंतर्गत उपभोक्ता को ये अधिकार है कि वो किसी भी चीज़ को, वस्तु को, सेवा को वापस लौटा सकता है अगर उसमें कोई डिफेक्टिव है। तो विक्रेता व्यापारी उसको मना नहीं कर सकता या उसको कंपेल नहीं कर सकता कि हम ये बेचा हुआ माल वापस नहीं लेंगे। जबकि इसमें, इस परिपत्र में तो इतना बताया गया है कि व्यापारियों को ये इंसिस्ट किया जाए कि वो बेचा हुआ माल वापस लें और उसकी जगह कैश वापस रिफंड करें, इतना तक इस सर्कुलर में जारी किया गया है। और सर्कुलर के अंदर में स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, रसद विभाग है, जिला कलेक्टर है, उनको निर्देश दिए गए हैं कि वो इनकी समय समय पर जांच करें और ऐसे मामले उनके ध्यान में आने पर वो इस पर कार्रवाई करें ताकि उपभोक्ताओं के अधिकारों का हनन नहीं हो। आप लंबे समय से इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप हमें दिखा रहे थे बहुत सारे ऐसे बिल हैं, किसी ने कपड़े खरीदे, साड़ी, दवाइयाँ, मोबाइल्स, इन तमाम बिलों के ऊपर जो लाइन लिखी होती है, क्या ये लाइन हमारे दर्शकों को एक बार बताएंगे? और आप जब से काम कर रहे हैं तब से क्या सरकार इसके रोकथाम के ऊपर कोई काम कर रही है क्या? जी हाँ, देखिए, मैं इस प्रोजेक्ट में 2 साल से लगा हुआ हूँ कि अगर सरकार ने कोई किसी मंशा से कोई सर्कुलर निकाला है या कोई कानून बनाया है, कोई संविधि जारी की है, तो उसकी तो पालना होनी चाहिए, वो उपभोक्ता हितों में ज़रूरी है। लेकिन ना तो सरकार इस पर ध्यान दे रही है, ना स्थानीय अधिकारी ध्यान दे रहे हैं। ये 1999 में जो सर्कुलर आया केंद्र सरकार का, तो राजस्थान सरकार द्वारा भी समय समय पर परिपत्र जारी किए गए, जैसे 31 जुलाई 2017 को जारी किया राजस्थान सरकार ने कि उन्होंने सभी जिला कलेक्टर्स को पाबंद किया गया है कि आप इस पर कार्रवाई करें, अगर कोई व्यापारी ऐसा लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें, सख्त एक्शन लें। उसके बाद 2018 में फिर ये सर्कुलर जारी किया गया है, इसको सरकार अपनी तरफ से कंटिन्यू जारी कर रही है, लेकिन अधिकारी इस पर कोई काम नहीं कर रहे। मैं आपको बताऊं, मैंने सूचना के अधिकार में जिला रसद अधिकारी से ये जानकारी चाही कि अभी तक आपने इन मामलों में कितनी कार्रवाई की है, कितने मामले आपके ध्यान में आए हैं या आपने कितनी इसमें काम किया, तो उन्होंने बताया अभी तक हमारे पास तो एक भी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि केंद्र सरकार और भारत सरकार के परिपत्रों को आप सिर्फ रद्दी के टोकरी में डाल देते हैं, उपभोक्ता हितों का आप बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं। तो इन्हीं सब मामलों को लेके जब मैंने देखा कि ये लोग काम नहीं करेंगे, कंज्यूमर एक्टिविस्ट होते हुए हमें ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो फिर मैंने जाके इसको कंज्यूमर कोर्ट में 2-3 मामले मैंने पेश किए हैं और कंज्यूमर कोर्ट ने उस पर संज्ञान लेते हुए काफ़ी इस पर एक्शन भी लिया है और जुर्माने भी लगाए हैं। 2-3 मामले हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक पुरानी मंडी में अलबेली साड़ी करके एक व्यापारी फर्म है, उनसे मैंने एक साड़ी ली थी फरवरी 2018 में। उनके इनवॉइस में ये लिखा हुआ है, गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक। जब मैंने उनका ये इनवॉइस देखा तो मैंने कहा, भाई साहब, ये लिखना तो कानूनन गलत है, कि सरकार ने सर्कुलर भी निकाले हुए हैं और अगर आपका माल ख़राब है तो आपको लेना पड़ेगा।
आप ये कह के इसमें बच नहीं सकते कि मैंने ये बिल में आपको लिखा हुआ है तो मैं तो इसको माल नहीं लेता। उनने मेरी बात को अनसुना कर दिया और कहा कि नहीं ये तो हम नहीं हटाएंगे और ये तो हम पुराने पहले से लिखते आ रहे हैं। तो ठीक है, इस मामले को जब मैं जिला मंच में लेके गया तो उन्होंने इस पर कठोर कार्रवाई करते हुए जिला मंच ने और 5,000 रुपये के से दंडित किया आर्थिक जुर्माने से। इसके बाद भी लेकिन इनकी कार्रवाई ये चालू है, प्रैक्टिस वापस इन्होंने अभी तक नहीं हटाया। अच्छा, मतलब 5,000 रुपये का जुर्माना अदालत ने लगा दिया उपभोक्ता न्यायालय, लेकिन उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अभी तक भी बिलों में ये जारी है। शहर के सभी व्यापारी में अमूमन सभी व्यापारी, ज़्यादातर व्यापारी इस प्रक्रिया ये चालू रखे हुए हैं। इसका कारण ये है कि हम कितना लड़ेंगे, सरकार की तरफ से ना कोई कठोर कार्रवाई की जा रही है, ना अधिकारी इस पर कोई कार्रवाई करने की मंशा रखते हैं, ना वो फील्ड में वर्क करना चाहते हैं। हम उनसे बात करते हैं तो स्टाफ कम होने की बात कहते हैं कि हमारे पास स्टाफ नहीं है। आपका स्टाफ नहीं है तो उपभोक्ता क्यों सफ़र करेगा इसको लेके? हमारे हित में जो कानून बने हुए हैं उसकी तो आपको पालना करानी पड़ेगी, नहीं तो अन्यथा फिर मजबूर होता है उपभोक्ता अदालत में जाने के लिए व्यापारी। एक और मामला है, ओप्पो कंपनी जो मोबाइल आता है उसका सर्विस सेंटर अजमेर के पंचशील नगर में है, पेस्टेल सिस्टम के नाम से। वो भी इसी तरह का ये लिखते थे कि बेचा हुआ माल हम वापस नहीं लेंगे। जब वो मैं अदालत में लेके गया तो 2,000 रुपये का उसके ऊपर पेनल्टी अदालत ने लगाई। उससे वो असंतुष्ट होते हुए उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग जयपुर में उसकी अपील पेश करी। राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस पर बहुत सख्त संज्ञान लिया कि आपको कानून की जानकारी होते हुए भी जब पत्रावली में लगा हुआ है कि भारत सरकार का सर्कुलर है, राज्य सरकार का परिपत्र है और उपभोक्ता हितों में आप ये लिखना गलत है, उसके बावजूद भी आप यहाँ आए हैं, तो 10,000 रुपये का उल्टा दंड उनके ऊपर और लगाया। यानी कि एक तो बिल में गलती करी, जिला उपभोक्ता न्यायालय का आदेश नहीं माना और राज्य में अपील करने चले गए और उसके बाद 10,000 रुपये का जुर्माना उनके ऊपर और लगाया गया। तो ये स्थिति है। मतलब ये लोग मतलब किसी भी तरह से उपभोक्ता को लूटने में, जैसा आपने मुहिम चला रखी है, कल आपने बताया था कि कैरी बैग वाला था मामला, अब ये है, तो किसी ना किसी तरह से ये एक लूट का सिस्टम चला हुआ है कि हम कैसे उपभोक्ता को लूट सकते हैं और कैसे हम अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से हम कैसे बच सकते हैं, यही इन सब में हमें बात निकल के आ रही है। लेकिन हमारे हाथ में एक आदेश है राजस्थान सरकार उपभोक्ता मामले विभाग का, जो 31 जुलाई 2017 को जारी किया गया था राजस्थान के समस्त जिला कलेक्टर को, लेकिन इसकी कहीं भी पालना इस वक्त अजमेर में होती दिखाई नहीं दे रही है। जो विषय है वो हम आपको बता देते हैं कि व्यापारियों विक्रेताओं द्वारा जारी किए जाने वाले कैश मेमो के ऊपर जो लिखा हुआ होता है बिका हुआ माल वापस नहीं होगा जैसी शर्तें वाक्य हटाने के संबंध में राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर को यह आदेश राजस्थान सरकार ने जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक अजमेर में जो बहुत सारे ऐसे व्यापारी और विक्रेता हैं जिन्होंने अपने बिल से इस लाइन को नहीं हटाया है और इसको लेकर जिला रसद अधिकारी की बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उनका काम है कि जगह जगह विक्रेताओं और व्यापारियों के प्रतिष्ठानों के ऊपर जाएं, वहां पर जाकर उनके बिलों की जाँच करें, क्या बिल के ऊपर ये लाइन अभी भी लिखी हुई है या नहीं है। हमारी जांच में हमें यही नज़र आ रहा है कि तमाम व्यापारी इस वक्त भी अजमेर के अंदर इस लाइन को लिख रहे हैं, जो कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का और कानून का खुले तौर पर उल्लंघन है। खैर, जिला रसद अधिकारी इस पूरे मामले पर क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताएंगे।